स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मॉक जो है वो पेपर 9, मॉक 9 जिसे पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 243 केजी इन थ्री पार्ट सच दैट हाफ ऑफ अस पार्ट, डिवाइड 243 केजी इन थ्री पार्ट्स सच द हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इफ द फर्स्ट पार्ट इज ए देन द हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट वन थर्ड ऑफ द सेकेंड पार्ट, वन थर्ड हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट वन थर्ड ऑफ सेकेंड पार्ट एंड वन फोर्थ ऑफ थर्ड पार्ट, वन फोर्थ ऑफ थर्ड पार्ट आर इक्वल, ऑल दिस कंडीशंस आर इक्वल। ठीक है, डिवाइड 243 इन थ्री पार्ट्स सच दैट, अच्छा इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, यू हैव टू फाइंड द थ्री पार्ट्स। ठीक है, तो दिस इज योर ए अपॉन बी, अब ए अपॉन टू इक्वल्स टू बी अपॉन थ्री कर लीजिए और बी अपॉन थ्री इक्वल्स टू सी अपॉन फोर कर लीजिए। तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा बच्चे, टू अपॉन थ्री, एंड बी अपॉन सी कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन फोर। तो ए रेशो बी कितना है बेटा, टू इज टू थ्री, एंड बी रेशो सी कितना है बेटा, थ्री इज टू फोर। तो दिस इम्प्लाइज ए रेशो बी रेशो सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए रेशो बी है टू इज टू थ्री एंड बी रेशो सी है थ्री इज टू फोर, तो थ्री इज टू फोर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज द थ्री बिट्स आर, अगर हम इसको देखें तो ए आपके पास आ जाएगा 2x, b इक्वल्स टू 3x, c इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x विच इज इक्वल्स टू 243, तो ये कितना आएगा 9x इक्वल्स टू 243, 18 97x इक्वल्स टू 27, x इज 27 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 इक्वल्स टू 54। ठीक है, 54 एक ही केस है तो यही बी पार्ट आ जाएगा आपके पास, बाकी भी आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 एकदम 81 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 इज 108, तो यही डी पार्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड, ए पर्सन क्रॉसेज 700 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 3 whole 1/2 minutes, द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है पर्सन की इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है आपका 700 मीटर और टाइम पीरियड कितना है 3 whole 1/2 minutes, आपको फाइंड आउट करनी है कंडीशन किलोमीटर पर आवर। 700 मीटर्स को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 700 अपॉन 1000, क्योंकि 1 meter किसके इक्वल आ जाता है बेटा, 1 meter, 1 kilometer इक्वल्स टू 1000 meter, तो दिस इम्प्लाइज 1 meter इक्वल्स टू 1/1000 kilometer। वैसे ही आ गया 3 to the 6 प्लस 1 7/2 minutes। ठीक है, आपको और में कन्वर्ट करना है, देन वन और इक्वल्स टू 60 minutes, दिस इम्प्लाइज 1 minute इक्वल्स टू 1/60 hour, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/60। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल, विच इज़ योर 7/10 मल्टीप्लाइड बाई, इसको रिवर्स करेंगे तो 2 multiplied by 60/7 or 7 2 or 2, ये कितना आएगा 6 to the 12/7। ठीक है, नहीं 7 कहाँ, 7 तो कैंसिल हो गया, ठीक सिर्फ ये 0 0 7 6 12, कंडीशन आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, थर्ड आ जाएगा बेटा,
A, B and C worked together for 5 days to build a wall. Then B left. A and C worked together and finished the remaining work in 5 days. In how many days A and C worked together, finished the building the whole wall, if we alone can do it in 25 days. ठीक है, A, B and C can complete the work, complete a work in 5 days. ठीक है, A, B and C can work together for 5 days and build a wall, then B left the work. Question है, A, B and C work together for 5 days to build a wall. A, B and C work together for 5 days, then B left the work. A and C work together, finish the remaining work in 5 days. पहले क्या हुआ, A plus B plus C जो है इन सभी ने 5 दिन के लिए काम किया, फॉर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क. अब बी ने काम छोड़ दिया. नाउ ए एंड सी टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी अलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क इफ बी अलोन कैन डू इट इन 25 डेज. अब ये सारा काम, सारी वॉल इन तीनों ने मिलके, लेकिन अगर बी अलोन इस वॉल को बनाता तो वो 25 डेज में बना देता, तो ये कितना आ जाता आपके पास. अगर आप इसको देखें तो 5 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा प्लस ए प्लस सी इंटू 5. इन दोनों को इसको अलग कर लेते, प्लस ए प्लस सी इंटू 5 इक्वल्स टू 25. तो ये आ जाएगा ए प्लस सी एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, और 5b इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 20b. तो a प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ b. ए प्लस सी कितना, 2 टाइम्स ऑफ b. तो आपके पास a प्लस सी का टोटल वर्क कितना आ जाएगा, b कितने दिन में कर रहा है, 25 डेज में, और ये कितने हैं, 2 टाइम्स ऑफ b में. तो दिस इज योर, ये आ जाएगा 12 1.2 डेज. आंसर इज योर d. ठीक है, नेक्स्ट आ गया 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ, this is your A, B, C, D and E, F. There are 3 lines. बना लेता हूँ मैं यहाँ पे A, B, C, D, E, F. There are 3 lines. A, P, D. ये point P है. A, P, D is your 60 degree. सी पी ई इज योर 50-60 एंड पी बी इक्वल्स टू पी एफ. तो यहाँ पे एक लाइन और बनाई गई है, हियर इज योर पॉइंट एफ. तो कहा गया पी बी इक्वल्स टू पी एफ, दीज टू लाइन्स आर इक्वल. फाइंड द एंगल, मेजर ऑफ एंगल, फाइंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी बी एफ. पी बी एफ ये मेजर आपको फाइंड आउट करना है. तो आप लोग देखेंगे, इफ टू लाइन्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल देन देयर एंगल अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल. दैट मीन्स ये अगर एक्स है, इसके अपोजिट ये भी एक्स है, तो दो एंगल आपको मिल गए, थर्ड एंगल आपको चाहिए ये वाला एंगल. तो हम लोग क्या करते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल 160 होगा, 180 सॉरी, टोटल एंगल होगा 180. स्ट्रेट लाइन 180 है तो अगर आप इसको y कंसीडर करें तो 56 प्लस 60 प्लस y, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 6 160, y इक्वल्स टू 4 एंड 764. वाई आ गया 64. अब ये 64 आ गया. अब एंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180. तो ये हो गया 64 प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स इज 2x, और 180 माइनस 64 हो गया, तो ये कितना आगे जाएगा, 6. 10 में से 4 किया 6 और 7 में से 6 किया 1 2x. तो x कितना आ जाएगा बेटा,
5, 10, 16, 58 ऑप्शन बी पार्ट। ठीक है, ए हॉकी कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ फोर प्लेयर्स इन ए फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट फ्रॉम हिज सेवन प्लेयर्स। आपको एक टीम में फोर प्लेयर्स डालने हैं फ्रॉम हिज सेवन प्लेयर्स। फ्रॉम सेवन प्लेयर्स मेल पी क्यू आर, यहाँ पर मेल जो है वो पी क्यू एंड आर है एंड फीमेल जो है एस पी यू सी। ऑल प्लेयर्स आर इक्वल कैपेबिलिटी एंड एटलीस्ट टू मेल विल बी देयर इन द टीम। तो एक टीम में एटलीस्ट टू मेल होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब मिनिमम टू मेल्स होने चाहिए, मैक्सिमम थ्री है तो मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं क्योंकि थ्री गिवन मेल्स हैं तो थ्री भी हो सकते हैं मैक्सिमम, तो टू मिनिमम होने चाहिए थ्री मैक्सिमम होने चाहिए एंड एटलीस्ट टू मेल्स इन द टीम। फॉर अ टीम ऑफ फोर प्लेयर्स द प्लेयर मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर। अब प्लेयर्स जो इस तरह से होने चाहिए वो एक दूसरे के साथ खेलने को रेडी भी हो। क्यू कैन नॉट प्ले इफ एस इज सेलेक्टेड, क्यू जो है वो क्यू नहीं आएगा इफ एस इज सेलेक्टेड, अगर एस को सेलेक्ट किया जाता है तो क्यू नहीं खेलेगा। आर कैन नॉट प्ले विद जेड एन एस, और कैन नॉट प्ले विद जेड एंड एस। ठीक है, इफ यू इज सेलेक्टेड एंड क्यू इज रिजेक्टेड, अगर यू को सेलेक्ट किया जाता है एंड क्यू को रिजेक्ट किया जाता है देन द टीम कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, देन द टीम कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, देन द टीम कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये सारी कंडीशन इसमें जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू इज सेलेक्टेड एंड क्यू इज रिजेक्टेड देन द टीम कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्यू को रिजेक्ट किया जा चुका है एंड यू को सेलेक्ट किया जा चुका है, यू सेलेक्ट है। ठीक है, बाकी क्या कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं अगर यू सेलेक्ट है एंड क्यू रिजेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यू सेलेक्ट है तो यू चारों ऑप्शंस में सेलेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब है आर कैन नॉट प्ले विद जेड एंड एस, तो जिसमें आर है उसमें जेड या एस नहीं होना चाहिए, तो आर और एस है नहीं होगा, आर और जेड है नहीं होगा। ठीक है, ये रह गए ये दो ऑप्शन। अब आपके पास क्या है, ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब एटलीस्ट टू मेल चाहिए, तो यहाँ एस फीमेल है, यू फीमेल है, जेड फीमेल है, तो ये तीनों फीमेल हो गए, सिर्फ पी मेल है। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट टू मेल आपको चाहिए, तो पी एंड आर आर टू मेल्स, तो यही एक ऑप्शन बचता है आपके पास बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14, टू नंबर्स हैं जिनका सम 14 है एंड देयर क्वोशेंट इज 5/2, अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो उनका क्वोशेंट आ रहा फाइंड द नंबर्स आर, इनमें से कौन से नंबर है। तो आप लोग देख लीजिए इनका सम 14 है, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है। अब इनका क्वोशेंट देख लीजिए, तो 7/7 इज 1 कैंसल, 8/6 इज 4/3 कैंसल, 9/5 कैंसल, 10/4 तो 2/5, 5/2 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 14, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेक्टर विच अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री हैज एन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपको एक सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर विद सेक्टर एंगल। अब एक सर्कल है जिसमें सेक्टर एंगल बन रहा है 45 डिग्री हैज एरिया, अब इसी सेक्टर का एरिया है 154 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा
थीटा अपॉन 360 जो इस 360 का पार्ट होगा मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास 154, थीटा इज योर 45, 360 पाई इज योर 22/7, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 45 ये कितना आ जाता है, 8857, ठीक है 8, ठीक है 2 4 2 11 11 1 4, ठीक है। तो आपके पास रह गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 4 × 7 = r², ठीक है कितना आ जाएगा, 14 × 2 × 7 = r², तो यह गया 14 × 7 = r², तो यह हो जाएगा 14² × 2 = r². तो स्क्वायर रूट जब इधर आएगा r = √14² × 2 विच इज 14√2, तो सिर्फ 14√2 cm। ठीक है, 15th क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डू द आवर एंड एंड मिनट एंड कोइंसाइड इन अ डे। तो आवर एंड एंड मिनट एंड जैसे 12 पे एक साथ होते हैं, एक दिन में कितने बार एक साथ होते हैं, जैसे यहाँ पे वो आगे चलेगा 1, तो 1 o'clock अगर जब हो जाता है फिर जब मूवमेंट होती है एक बार फिर से कोइंसाइड होते हैं, तो एक दिन में कितनी बार कोइंसाइड होता है, दैट इज योर 22 times, ये डायरेक्ट एक दिन में 22 times मिनट एंड एंड और एंड कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, 17th क्वेश्चन, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। एक अमाउंट है वो डबल हो जाता है 10 years में एट सर्टन कंपाउंड इंटरेस्ट। एक कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 4 times, तो कितने सालों में 4 times हो जाएगा, 4 times ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 2 times ऑफ प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा, तो 2 times ये भी एक प्रिंसिपल है, तो ये इसका 2 times ऑफ पी है, तो मतलब इसको भी डबल होने के लिए 10 years लगेंगे, तो टोटल प्रिंसिपल 4 times हो जाएगा, 10 + 10 = 20 years। ठीक है, नेक्स्ट इज 18th, स्वाति थ्रो ए डाई ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया जा रहा, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनते हैं, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट दैट शी थ्रो एट लीस्ट 1/6। जब एक डाई को 2 बार थ्रो किया जा रहा तो वो कह रहा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि एटलीस्ट एक बार तो 6 आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार 6 आ जाता है, फिर 6-1 भी हो सकता है, 6-2 भी हो सकता है, 6-3 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है, 6-5 भी हो सकता है, 6 एटलीस्ट कहा है तो कम से कम एक बार होना चाहिए। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट और इवेंट में, दिस इज 11/36। ये क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर 18 meters। आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका आपको अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना, दैट इज योर हाइट अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या है, ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, एक पैरामीटर है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का 18। अब ये सारी साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे, तो दैट मींस 3 times ऑफ ए इक्वल्स टू 18, तो ए इक्वल्स टू 60, ए इक्वल्स टू 6 सॉरी। अब आपके पास क्या है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
के दो फार्मूले होते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है 3/4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको देखें तो ये 1/2 बेस इतना कहाँ पे है, ये सारा 6 है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, दिस हाइट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड इज 6 स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, एच आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3 square root 3 ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 20 नहीं है, हाँ 20 भी है, पोलो डार्क मीन्स लिव राइट एंड डार्क रनातो मीन्स लिव प्रॉफिटेबल, ठीक है, हतबल डार्क मीन्स जस्ट लिव, व्हाट डू यू मीन बाय लिव अर्जेंटली, लिव अर्जेंटली का क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जहां जहां डार्क है वहां वर्ड लिव है, दैट मीन्स डार्क मीन्स लिव एंड लिव मीन्स डार्क, लिव के लिए डार्क आ गया, अर्जेंटली हमारे पास नहीं है कहीं पे भी, तो जहां पे भी डार्क होगा वही आपका आंसर होगा। दक्प, ये के बी है, दक्प दक वाक वाक, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 21 क्वेश्चन, 3 cubes ईच ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, 3 cubes है, ठीक है, दीज आर 3 cubes प्लेस साइड बाई साइड, ईच ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ऑफ क्यूब कितना है 343 सेंटीमीटर क्यूब, और 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, विच इज इक्वल टू 343, तो दैट मीन साइड कितना आ जाएगा 7 cubes, साइड इक्वल्स टू 7, तो हर एक साइड का लेंथ कितना है बेटा 7, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट कितना है 7। नेक्स्ट है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सो फाउंड, अब ये जो हमने तीनों को एक साथ किया तो अब बन गया क्यूबॉइड, तो अब कितना लेंथ, अब क्या सरफेस एरिया होगा, तो 7 + 7 + 7 लेंथ हो गया आपके पास 7 × 7 = 14 × 7 = 21, ब्रेथ आपके पास 7 ही है और हाइट आपके पास 7 है, तो सरफेस एरिया क्या आ जाता है बेटा, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, तो 2 times ऑफ लेंथ इज 21, ब्रेथ इज 7, ब्रेथ इज 7, हाइट इज 7 प्लस 7 × 7, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2 = 147 प्लस 49 + 49, इनका सम करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 2 × 343 विच इज 686,
आंसर आ जाएगा 686। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फाइंड द अल्टरनेटिव फिगर एज शोन इन फिगर ए, कंटेन्स फिगर, ठीक है, तो कौन सी फिगर है जिसमें ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन जो है ये ए फिगर में है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। फाइंड द अल्टरनेट फिगर विच कंटेन्स फिगर ए एज इट्स पार्ट, अच्छा विच कंटेन्स फिगर ए एज इट्स पार्ट, तो जिसमें फिगर ए है एज इट्स पार्ट, ओके, विच कंटेन्स फिगर ए एज इट्स पार्ट, तो यहाँ पे क्यू ये स्क्वायर है ये नहीं है, यहाँ पे ये क्रॉस है ये भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स के बाहर सर्कल है, स्क्वायर है, एस भी है, अब यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पे एंड है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देर इज़ अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स, वन आर द राइट साइड, अच्छा ये जो कंडीशन है यहाँ पे कुछ रिलेशन है आप इस पर डिस्कस करेंगे, दिस इज 22:8 प्रोपोर्शनल टू 55:0, तो अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आ जाता है आपके पास 8 × 3 − 2 24 − 2 = 22, तो इसी तरह से आप यहाँ पे बना लीजिए, तो कितना आया 8 × 3 − 2 = दिस, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू चाहिए, तो मतलब आपके पास 8 नहीं है, तो आपके पास x है, x × 3 − 2 = 55, तो x × 3 = 55 − 2 + 2 57 3x, दिस इज 31 − x = 19, ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, बाकी आपके पास बेसिक क्वेश्चन इनको ट्राई कीजिए, बाकी जो भी क्वेश्चन आपको सेकंड हाफ में मिल जाएंगे, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, थैंक यू फॉर द क्लास।